Hello everyone, welcome to my channel Easy with Me. So, we are doing English grammar in use by Raymond Murphy. राइट right? तो हमने यूनिट ट्वेंटी तक सारा कर लिया है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी प्लस उनके आंसर्स भी राइट right? तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर ट्वेंटी वन अ वेरी न्यू बिगिनिंग ये जो विल और शेल है जो ये हमारा यूनिट है ट्वेंटी वन तो इसमें हम क्या करेंगे बेसिकली ये फ्यूचर से रिलेटेड है विल और शेल ऐसे वर्ड्स हैं जो फ्यूचर के साथ रिलेट करते हैं कि हाँ आने वाले टाइम में क्या होगा ठीक है सो वी यूज़ विल

ठीक है कोई भी कुछ भी तरीके से आप आई विल का यूज़ uh, कर सकते हो कि आपने कोई चीज़ डिसाइड करी है और आप इसे करेंगे ही करेंगे सो वी अनाउंस आवर डिसीजन कि हाँ अनाउंस कर दिए कि हाँ मैं ऐसा करूँगा देखो ओ आई हैव लेफ्ट डोर ओपन मैंने तो डोर को खुला ही छोड़ दिया आई विल गो एंड शट इट मैं जाऊँगा और मैं बंद कर दूँगा उसे ठीक है आई विल गो नेक्स्ट इज़ वट वुड यू लाइक टू ड्रिंक आप क्या पियेंगे आई विल हैवे औरज जूस प्लीज ठीक है मैं क्या लूँगा एक औरज जूस लूँगा नेक्स्ट इज डिड यू फोन लूसी ओ नो आई फोगेट आई एल फोन हर नाव मैंने उसे कॉल नहीं किया मैं भूल गया अभी भी अभी मैं करता हूँ सो आई एल फोन हर नाव ठीक है तो ये डिसीजन है कि हाँ मैं उसे फ़ोन करूँगा मैं ऑरेंज जूस लूँगा आपने डिसाइड कर लें कि हाँ मैं ऑरेंज जूस पीऊँगा तो क्या दरवाज़ा बंद नहीं किया हाँ मैं दरवाज़ा बंद करूँगा तो ये सारे आपके डिसीजंस को इंडिकेट करते हैं राइट right? नेक्स्ट देखो यू कैन नॉट यूज़ द प्रेजेंट सिंपल आई डू और आई डू एक्स आई गो एक्सेट्रा इन दिस सिचुएशन ये जो सेंटेंसेस आपने ऊपर पढ़े यहाँ पर आई गो के साथ नहीं आप लिखते ठीक है विल के साथ ही लिखना है जैसे आई विल गो एंड शट द डोर मैं जाकर डोर बंद कर दूंगा आपने ये नहीं लिखी नो आई गो एंड शट द डोर ये गलत होगा आपने विल के साथ ही लिखना है कि हाँ जो आप काम करेंगे अभी तो नहीं किया ना तो ये चीज़ है वी ऑफन यूज आई थिंक आई विल एंड आई डोंट थिंक आई विल कोई चीज़ आपको लगती है कि हाँ आप करेंगे अगर लगती है कि आप नहीं करेंगे तो अकॉर्डिंगली आई थिंक आई विल या फिर आई डोंट थिंक मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा या फिर मुझे लगता है कि हाँ ऐसा होगा तो वैसे आई फील bit हंग्री आई थिंक आई विल हैव something टू ईट मुझे ना भूख लग रही है तो मुझे लगता है कि हाँ मुझे कुछ खा लेना चाहिए अभी ठीक है अगला आई डोंट थिंक आई विल गो आउट टू नाइट आई एम टू टायर्ड मुझे नहीं लगता कि हाँ अभी आज मैं बाहर जाऊँगा मैं बड़ा थका हुआ हूँ तो इस तरीके से नेक्स्ट इज इन स्पोकन इंग्लिश द नेगेटिव ऑफ विल इज़ यूजली वांट जी ये जो वॉन्ट लिखा होता है ना डब्ल्यू ओ एन अपोस्टो इसका मतलब होता है विल नॉट ठीक है ये विल नॉट को इंडिकेट करता है सो आई सी यू आर बिजी सो आई वॉन्ट स्टे लॉन्ग मुझे लगता है कि आप बड़े बिजी हो तो फिर मैं ज़्यादा टाइम नहीं रुकूंगी ठीक है तो ये जो वॉन्ट है इसका मतलब होता है कि विल नॉट आई विल नॉट स्टे लॉन्ग राइट नेक्स्ट देखो डू नॉट यूज विल टू टॉक अबाउट वट यू डिसाइडेड बिफोर अच्छा जो चीज़ आपने पहले ही कभी डिसाइड करी है उसके बारे में आपने विल नहीं लगाना विल तब यूज करोगे जब आप फ्यूचर uh, में आने वाले किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हो जैसे आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे नेक्स्ट सैटरडे कि नेक्स्ट सैटरडे मैं हॉलीडे पे जाऊँगा सो आई एम गोइंग ऑन कि मतलब जा रहा हूँ ना ठीक है तो ये ये नहीं कि ये आपने पहले ही डिसाइड किया हुआ है ना कि आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे कि आप जा रहे हो ठीक है तो ये विल के साथ नहीं आएगा जैसे आर यू वर्किंग टूमोरो क्या आप कल काम कर रहे हो ठीक है तो ये नहीं है विल यू वर्क नहीं आएगा ठीक है क्या आप कल काम कर रहे हो क्योंकि ये चीज़ पास पहले ही आपने डिसाइड करी है उसके बारे में आप ऐसे नहीं लिखते नेक्स्ट देखो वी ऑफन यूज विल इन दिस सिचुएशन और कौन कौन से सिचुएशन है जहाँ पर आप विल का यूज करेंगे तो देखो फर्स्ट इज ऑफरिंग टू डू समथिंग कभी आपने कुछ ऑफर करना है किसी को कुछ करने के लिए जैसे दैट बैग लुक्स हैवी ये बैग बड़ा ही भारी लगता है आई विल हेल्प यू विद it. मैं आपकी मदद करता हूँ नॉट आई हेल्प आई हेल्प लिखोगे तो गलत है क्योंकि आपने किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो क्या ऑफर कर रहे हो यहाँ पर हेल्प हेल्प ऑफर कर रहे हो तो आप लिखोगे आई विल हेल्प यू विद it. राइट नेक्स्ट इज़ एग्रींग टू डू समथिंग कुछ चीज़ करने के लिए आप एग्री कर रहे हो कि हाँ आप जो कह रहे हो ठीक ही कह रहे हो सो कैन यू गिव टिम दिस बुक ठीक है क्या आप टिम को ये बुक दोगे श्योर आई विल गिव इट टू हिम वेन आई सी हिम दिसर आज जब जो आफ्टरनून को मैं उसे मिलूंगा तो मैं उसे ये दे दूंगा सो आई विल गिव इट टू हिम तो मैं उसे ये दे दूंगा राइट right? नेक्स्ट देखो प्रोमिसिंग टू डू सम जब आप प्रोमिस करते हो प्रोमिस का मतलब कि हाँ आप प्रोमिस करते हो कि हाँ मैं ये काम करूंगा थैंक्स फॉर लेंडिंग द कि मुझे money, देने के लिए thank you. I'll pay you back on Friday. मैं Friday को आपको ये सारे पैसे वापस कर ठीक है तो क्या होगा ये आई एल पे है तो आप ये प्रॉमिस करते हो ना कि हाँ मैं फ्राइडे को दे दूंगा पैसे वापस नेक्स्ट देखो आई वॉन्ट टेल एनी वन वैपिन आई प्रामिस मैं प्रोमिस करता हूँ कि जो कुछ भी हुआ मैं किसी को नहीं बताऊँगा सो आई वॉन्ट टेल वॉन्ट मतलब आई विल नॉट टेल एनी वन वट हैपेंड नेक्स्ट आस्किंग समबडी टू डू समथिंग किसी को कुछ करने के लिए पूछना विल यू प्लीज टर्न द म्यूजिक डाउन क्या आप म्यूजिक को डाउन कर दोगे मतलब वॉल्यूम डाउन कर दोगे आई एम ट्राइंग टू कंसनट्रेट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लूँ कुछ कर लूँ और आप म्यूजिक को थोड़ा लो कर दो सो विल यू प्लीज टर्न डाउन द म्यूजिक किसी को कुछ करने के लिए कहना तो आपने याद रखना है ऑफरिंग टू डू समथिंग एग्रिंग टू डू समथिंग प्रॉमिसिंग और किसी को कुछ पूछना है इस सारी सिचुएशन पे भी विल यूज होगा राइट नेक्स्ट नेक्स्ट सिचुएशन कौन सी है यू कैन यूज वॉन्ट टू से दैट सामबाई रिफ्यूज टू डू समथिंग अगर किसी ने कुछ करने के लिए आपको मना कर दिया जैसे आई हैव ट्राई टू गिव हर एडवाइस बट शी वॉन्ट लिसन मैंने कोशिश की कि हाँ भी उसे थोड़ी बहुत ही एडवाइस दे दूँ कि ऐसे कर लो पर शी वॉन्ट लिसन वो नहीं सुनती किसी की वो सुनेगी नहीं सो शी वॉन्ट लिसन द कार वॉन्ट स्टार्ट कार स्टार्ट नहीं हो रही द कार रिफ्यूज टू स्टार्ट मतलब कार स्टार्ट नहीं हो रही नेक्स्ट शैलाई या शैलवी इसके साथ शेल अभी विल है और शेल है विल वाले तो पढ़ लिये अभी शैलवे देखो शेल इज यूज इन क्वेश्चन शेल ज्यादातर हम ना क्वेश्चन में यूज करते हैं जब आपने किसी को कोई क्वेश्चन जैसे शालाई या फिर शैलवी वी यूज शैलाई शैलवी टू आर सम्बडीज ओपिनियन स्पेशली ऑफर और सजेशन किसी का ओपिनियन पूछना है कि हाँ भाई आपकी क्या राय है आप क्या सोचते हो इस बारे में वह वैसे सचुएशन में आपने शेल यूज़ करना है जैसे शेल आई ओपन द विंडो ये पूछ रहे हो ना परमिशन ले रहे हो सो डू यू वॉन्ट मी टू ओपन द विंडो नेक्स्ट इज आई हैव गॉट नो मनी वॉट शैल आई डू मेरे पास तो पैसे ही नहीं है बताओ मैं क्या करूँ सो वॉट शैल आई डू शेल वी गो जस्ट अ मेहनत आई एम नॉट रेडी हेट क्या हम चले शेल वी गो बोले नहीं नहीं एक मिनट रुक जाओ मैं भी रेडी नहीं हूँ हम लंच कहाँ करें आंसर क्या है लेट्स गो मेरीनोज चलो मेरीनोज चाहते हैं ठीक है तो ये हो गया नेक्स्ट हमारे पास क्या है कम्पेयर शेल आई एंड विलियो यहाँ पर शेल आई और विलियो का क्या करें हम कंपेरिजन करें देखो कहाँ पर आपने आई यूज़ करना है कहाँ पर आपने यू यूज करना है फर्स्ट आई शट डाउन द डोर क्या मैं डोर को बंद कर दूँ सो डू यू वॉन्ट मी टू शट द डोर ये परमिशन आप पूछ रहे हो किसी को परमिशन नेक्स्ट यू शट द डोर ये आप किसी को बोल रहे हो कि हाँ भाई तुम कर दो ठीक है ये आप परमिशन किसी से ले रहे हो और यहाँ पर आप किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हो ंग समबडी टू डू सम थिंग विल यू शार्ट द टूर आई वॉन्ट यू टू शार्ट इट कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे बंद कर दो राइट तो ये हो गया सिंपल है मैंने आपको बताया कि हम कहाँ पर विल और कहाँ पर शेल यूज़ करेंगे विल यूज़ करने, यूज करने की डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन कौन सी है शेल यूज़ करने की डिफरेंट सिचुएशन कौन सी है और इसके अलावा विल और शेल में क्या डिफरेंस है ये सारा हमने कर लिया नेगेटिव वाले में कर ले और क्वेश्चन वाले भी हमने सारे सीख लिए राइट सो नेक्स्ट यूनिट में हम क्या करेंगे इसकी जो अनसॉल्ड एक्सरसाइजेस है वो करेंगे तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और इस वीडियो को अच्छे से देखो और समझ लेना ठीक है क्योंकि इसी के साथ आपको वो अगली वाली वीडियो हेल्पफुल होगी क्योंकि वो जो एक्सरसाइज अनसोल्ड है ना वो इसी पे ही बेस्ड होती है राइट right? वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाय बाय हैप्पी लर्निंग